अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वली टेक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नई वीडियो के साथ आज हाज़िर हुए हैं दोस्तों। नई वीडियो जो मकसद ये है कि जोन सा आपका हेडलाइट का बल्ब एक तो बार बार फ्यूज़ हो जाता है या काला हो जाता है, एक तो अपनी लाइफ पूरी करके फ्यूज़ होता है। जिस तरह ये बल्ब है, ये देखें, ये झटका लग के बाइक को उसका एलिमेंट या अपनी लाइफ पूरी करके ये बल्ब फ्यूज़ हुआ है, ये देखें। और एक जोन सा होता है ये काला हो जाता है, जल जाता है बल्ब। इसका हाल आपको बताएंगे। तो आज हमारी वीडियो है कि बल्ब आपका बार बार फ्यूज़ हो जाता है। तो बल्ब दो तरह के फ्यूज़ होते हैं, एक तो नॉर्मल बल्ब फ्यूज़ होता है जिसका एलिमेंट टूट जाता है, ये आम बल्ब फ्यूज़ हुआ है अपना टाइम पीरियड पूरा करके। और एक आपका फ्यूज़ होता है बल्ब इस तरह काला हो जाता है, और ये बार बार आपका बल्ब फ्यूज़ होता है, आप डलवाते हो, रेस देते हो, साथ ही फ्यूज़ हो जाता है और ये काला हो जाता है। अगर आपका इस तरह बल्ब काला हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का करंट तेज़ हुआ है, इसका इलेक्ट्रीफायर सही काम नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रीफायर ये जिसे हम बैटरी चार्जर भी कहते हैं, ये आपके करंट जो कड़े से आ रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके रेस के हिसाब से 12 से 35 वाट तक देता है। अगर ये 35 वाट से ऊपर जाता है तो बल्ब आपका जल जाता है, ठीक है। अगर आपका बल्ब इस तरह फ्यूज़ हो रहा है कि काला हो रहा है तो आप इसका इलेक्ट्रीफायर चेंज कर दें। अगर इसका इलेक्ट्रीफायर चेंज करने के बाद भी मसला हल नहीं होता है तो हम इसे अगली वीडियो में बताएंगे कि फिर इसके साथ क्या करना है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।